करेंगे। ये मनवादी सरकार चल रही है, इस सरकार को हम 2022 में विदाई देंगे और भाई चंद्रशेखर जी को सीएम बनाएंगे। और जो तमाम और जो पदाधिकारी हैं वो कोई साफ सभी छवि का नहीं है। उन पर कुछ ऐसे ऐसे इस सरकार के द्वारा इस देश में ऐसे ऐसे आरोप हैं उन पर, गृह मंत्री जी उनमें तड़ी पार हैं। वो ऐलान करेंगे तो हर जगह की टीम उतरेगी, हर जगह की टीम, पूरे भारत की टीम सड़कों पर उतर आएगी और जब जब चंद्रशेखर भाई जी का आदेश होगा और सड़कों पर उतर के आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरी तरीके से करेगा। जो हमारे देश के अन्नदाता जो हमको अनाज पैदा करके देते हैं उनको आज इस तरीके से सड़कों पर भटकाया जा रहा है इस मनुवादी सरकार में, इस काम सरकार का सक्रिय विरोध करते हैं। आज वो गाजियाबाद में है, उससे पहले दिल्ली में थे और उनका उद्देश्य है जब तक वो किसानों के साथ आंदोलन करेंगे और उनके साथ पूरे भारत का बहुजन समाज है। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार हाजिर हूँ आपके बीच एक सबसे बड़ी खबर और एक सबसे बड़े खुलासे के साथ। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मंडल भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल के प्रकाश चंद जी। इनसे आज हम मौजूद एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मौजूद हुए हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े खुलासों के बारे में जो खुलासे करेंगे और जो वर्तमान की जो राजनीति देखते हुए उसके बारे में बात करेंगे। आखिर बहुजन किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ नहीं जा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो प्रकाश जी आपका स्वागत है, सबसे पहले एक कदम भीम मिशन की ओर में। विशाल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए 2400 घंटे समाज के हर जगह पहुंच के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। वर्तमान बहुजन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहूँ, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो सभी के दिल में छा गए हैं मुझे लगता है, और सभी आज उनका जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर एक के बाद दूसरी पोस्ट चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, और क्या कुछ कहना चाहूँगे आप? देखिए अभी लोगों की जो राजनीति, पार्टी हमको अभी 6 महीने नहीं हुए बनाए हुए और लॉकडाउन में आपको पता है जो सालों से पार्टियां सरकार में रही हैं वो पार्टियां हमसे पीछे रही हैं। इसका मतलब लोग हमारे कार्यशैली से खुश हैं और हमको अपना नेता मानना चाहते हैं और चाह रहे हैं, और हमको जो सम्मान दिया है जनता ने हम उस सम्मान का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और आगे इससे भी ज़्यादा काम करेंगे ताकि हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाई चंद्रशेखर जी को इस बड़े उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएं। और इस जो समाज की समस्या है, जो भारत के उत्तर प्रदेश की जो समस्या है, उस समस्या को हम दूर करें और खुशहाल ज़िंदगी यहाँ विस्तार करें। और जो हमारे महापुरुष हैं जिनकी सोच थी, उन महापुरुषों की सोच को आगे बढ़ाएं और इस देश में फिर से सम्राट अशोक जी का शासन पुनः स्थापित करें। कहीं ना कहीं एक पोस्ट बहुत ही काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि महिला पत्रकार हैं ज्योति सिंह, उनकी पोस्ट वायरल हो रही है। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो सम्मान दिया है हमको, यानी कि उनकी सुरक्षा में देखा होगा आपने कि सुरक्षा की थी उन महिला की और चारों तरफ से, और जब इंटरव्यू दिया था तो वो उन्होंने ट्वीट किया चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस कार्य को देखते हुए उनका सम्मान भी किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए विशाल भाई, अभी तक हमारा जो पुलिस प्रशासन के जितने भी मतलब पदाधिकारी हैं वो भी हमको इस बात से सम्मान देते हैं कि हम कोई भी कानून के विरुद्ध काम नहीं करते हैं संविधान के तहत, और जो हमारे अधिकारी हैं उनकी जो कार्यशैली को अगर वो हम उनके पास जाते हैं और हमारी बात को हम अपनी बात रखते हैं समाज के प्रति, तो वो हमारी बात इसलिए मानते हैं कि हम अच्छे कामों के लिए जाते हैं, किसी के गलत कामों में कभी नहीं जाते हैं। और बहन जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भीम आर्मी के लोग सबसे पहले उठाते हैं, ताकि हम लोग इस जो माहौल बना दिया है, हम बाबा साहब ने जो सम्मान दिया था हमारी मातृशक्ति को, उस मातृशक्ति को सम्मान भीम आर्मी के लोग भी देना चाहते हैं, और जो उनको अधिकार दिए थे संविधान में उन अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल ज़्यादा गूंज रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी बना लिए, युवाओं के आइकन, युवाओं के दिलों में कैसे उनकी छवि बन गई इतनी बेहतरीन, इसके बारे में क्या? देखिए काम करने वाले लोग दूर से दिखते हैं और जो देखना चाहते हैं उनको दिखते हैं, जो देखना ही नहीं चाहते हैं उनको दिखते नहीं हैं। चंद्रशेखर भाई ने, ये आपको भी पता है, कई कई बार जेल गए हैं, कई 16 महीने के लिए, और 4-5 बार जेल गए हैं, उन पर काफ़ी मुकदमे लगे हुए हैं समाज के, कोई उन पर चोरी डकैती किसी को मर्डर का तो नहीं लगा हुआ है। समाज के आंदोलन के
80 से ज़्यादा मुकदमे लगा दिए हैं सरकार ने, लेकिन वो हम अगर समाज की आवाज़ उठा रहे हैं तो उन मुकदमों से या उन जेल काटने से हमारे नेताजी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज का युवा ये जान चुका है जो हक अधिकार की बात करेगा उसको ये लोग फालतू के मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम करेंगे। ये मनुवादी सरकार चल रही है, इस सरकार को हम 2022 में विदाई देंगे और भाई चंद्रशेखर जी को CM बनाएंगे। जिस तरीके से किसानों के जो प्रति जो 3 कानून बनाए गए केंद्र सरकार द्वारा, इसके बारे में क्या आप अपनी राय देना चाहोगे किसानों के साथ? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग आप देख सकते हैं, जो मंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं और जो तमाम और जो पदाधिकारी हैं, वो कोई साफ सभी छवि का नहीं है। उन पर कुछ ऐसे ऐसे इस सरकार के द्वारा इस देश में ऐसे ऐसे आरोप हैं उन पर, गृह मंत्री जी उनमें तड़ी पार हैं। वो लिखित में मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कई मैंने उनमें देखा है कि वो तड़ी पार का भी उन पर एक तड़ी पार भी किए हुए थे। और बाकी के जितने भी आप देख रहे हैं रेप करने वाले नेता हैं उनके, तमाम दुनिया के मर्डरी, अभी आपने देखा था जितने भी केस आ रहे हैं बहन बेटियों शोषण के, वो जितने भी केस आ रहे हैं वो केस सब BJP के नेताओं के आ रहे हैं, बाकी की दूसरी कोई पार्टी ऐसे कामों में नहीं है। और हम यही चाहेंगे कि इस देश को मजबूत बनाना है तो हमारी बहन बेटी रात और दिन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, तब हम इस देश को अपना मतलब एक सुनहरा देश कह सकते हैं। अगर यहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे हमले होंगे, हम इस देश को एक जंगल राज कहेंगे। और जो सरकार चल रही है उस सरकार को भी बिना ना सोच समझने वाली ना विचार करने वाली सरकार कहेंगे। कमल सिंह वालिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भीम आर्मी के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? चंद्रशेखर आजाद किसानों के आंदोलन में उतर चुके हैं, कि क्या चंद्रशेखर आजाद जब ऐलान करेंगे तो हर जगह की टीम उतरेगी? हर जगह की टीम, पूरे भारत की टीम सड़कों पर उतर आएगी। और जब जब चंद्रशेखर भाई जी का आदेश होगा और सड़कों पर उतर के आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरी तरीके से करेगा, जो हमारे देश के अन्नदाता जो हमको अनाज पैदा करके देते हैं उनको आज इस तरीके से सड़कों पर भटकाया जा रहा है इस मनुवादी सरकार में, इसका हम सरकार का सक्रिय विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब आप ऐसा कार्य करो कि इनको देखना पड़ेगा किसानों के लिए जो बिल जाए गए हैं वो गलत हैं। कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहोगे? किसान जो बिल दिए गए हैं वो गलत हैं, उनके विरोध सभी हमारे किसान भाई और हमारी भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई मंजीत सिंह नौटियाल और विनय रतन जी और कमल सिंह वालिया जी सभी लोग भीम आर्मी के सक्रिय शेर कार्यकर्ता, वो आज भी इंतजार देख रहे हैं भाई चंद्रशेखर जी का कि वो कभी भी आदेश करें और उसी समय पे हम पूरे भारत के लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन का कार्य करेंगे। अगर ये सरकार मनुवादी सरकार अगर नहीं मानती है तो हम देख रहे हैं, इंतजार देख रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद किसानों के आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं फुल। जी दे रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, आज भी वहीं पे मौजूद है। उन्होंने अपना जन्मदिन छोड़ के, जन्मदिन तो हम कार्यकर्ता मना रहे हैं लेकिन भाई उस आंदोलन में शामिल हैं जो कि किसानों पे जो गलत कानून जो लागू किए जा रहे हैं उनके विरोध में। और हम सब इंतजार में हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब भी आदेश कर देंगे, हम पूरे भारत में भीम आर्मी के लोग इतनी तादाद में है कि जब हम रोड पे आ जाएंगे तो लोगों को बहुत सरकार को आ जाएंगी, झुकना पड़ेगा सरकार। हमारे साथ बीच में आ चुके हैं जो सुरजीत सिंह, क्या कहना चाहूँ चंद्रशेखर आजाद जी किसानों के साथ हैं या नहीं? बिल्कुल किसानों के साथ हैं और आज उनका जन्मदिन है, उसके बावजूद वो किसानों के बीच में हैं। आज वो गाजियाबाद में हैं, उससे पहले दिल्ली में थे और उनका उद्देश्य है जब तक वो किसानों के साथ आंदोलन करेंगे और उनके साथ पूरे भारत का बहुजन समाज है, मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, न झुकेंगे न झुके हैं और इस बिल को काले कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। हमारे साथ मौजूद थे भीम आर्मी प्रकाश चंद जी जो कि अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष हैं, कमल सिंह वालिया जी और सुरजीत जी जो कि जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व हैं, और इन्होंने अपनी राय रखी। आप अपनी राय देना कमेंट में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय भीम।